गणेश जी से सीखो। माता पार्वती ने कहा किसी को प्रवेश नहीं होना चाहिए, शंकर जी ही आ गए स्वयं पिताजी। बोले खबरदार, बाप अपनी जगह हो पर नो एंट्री है, हमने माता जी को आज्ञा दी है कोई प्रवेश नहीं करेगा। पिताजी हो तो हो पर प्रवेश तभी होगा जब माता जी की आज्ञा हो, और वचन नहीं कटेगा। क्या गजब की बात है। और मेरे पागलो, इस कथा से हमें एक बात समझ में आती है, जो अपने वचन का पक्का होता है वही आदमी सच्चा होता है, वही दुनिया में प्रथम पूज्य हो जाता है। लेकिन आजकल तो लोग ऐसे बदलते हैं जैसे मौसम बदलता है, टीवी के रंग जितने नहीं बदलते उससे ज्यादा आदमी की जवानें बदलती हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जी, आप ही हमारे लिए ईश्वर हो, सब कुछ हो। बाहर जाके दूसरे से कहते तुम ही हमारे लिए बाप। हमें बड़ी हंसी आती है, क्या गजब के लोग हैं। हमसे आके कहते आप ही बाप हो, दूसरे से कहते आप ही बाप हो, समझ में नहीं आता कितने बाप हैं। क्या बाप ही बाप है, समझ में नहीं आता कितने बाप है, लगता है इनके बाप ही बाप है। कैसे आप हैं भगवान जाने कैसे आप हैं। पर धन्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया एक बात, जुबान के पक्के होना चाहिए। जो आदमी जुबान का पक्का होता है उसके सामने देवता भी बात मानने के लिए हाजिर हो जाते हैं। हाँ, मजबूरी है देवताओं की, बात का पक्का होना चाहिए। लेट हो जाए वो बात अलग है। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, दुकानदार हैं। हमने कहा कि तुम एक बात बताओ, तुम आजकल दे दो, बहुत मजबूरी है, आफत है, बहुत परेशान है, आप ही हमारे माई बाप हैं, दे दो हम चुका देंगे, खाके तो भग नहीं जाएंगे, मर तो जाएंगे नहीं, दे दो। तो जब भी ग्राहक आता है उधारी मांगने, गाय बनकर आता है, और जब उधारी ले ले और दो तीन महीने चुकाने ना जाओ, और जब लेने जाओ तो शेर बन जाता है, हम खा के मर जाएंगे क्या, तुम्हारे 100 रुपया नहीं चुका पाएंगे, बड़ी आफत दे देंगे, तुम रोज रोज आ जाते हो, हमारी इज्जत नहीं है क्या। तो मंत्र बोला, गुरुजी आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, कल तक जो गाय बना था वो आज शेर बन गया है, आदमी जवान का बहुत उल्टा हो गया है। बुरा ना मानिए, जिनकी जवान पक्की नहीं होती है उनका जीवन भी पक्का नहीं होता है।